हेलो स्टूडेंट, हमारे यूट्यूब चैनल एक्सलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आ चुके कक्षा 12 जीव विज्ञान में पूरे बुक से 15 सबसे महत्वपूर्ण टिप्पणियां, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में इससे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये वो टिप्पणियां जो कि कम से कम 5 साल, 4 साल, 7 साल, 8 साल लगातार बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। यानी दोस्तों, ये अगर 15 टिप्पणियां आप तैयार कर लेते हैं तो आपका बहुत सारे क्वेश्चन जो है आपके टिप्पणियां पर आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये क्लास भी आप सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले एक बार जो है सभी बच्चे इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और फटाफट दोस्तों एक बार जो है अपने फ्रेंड में, स्कूल में, हर जगह इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों को ये क्लास जो अच्छे से मिल जाए, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आप देखेंगे तो 2023 में इसे कोई ना कोई टिप्पणी आपके लिए पूछा जरूर जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों साथ में आपको बताते चले कि 2023 के टॉप बेस्ट से जुड़ने के लिए आपको सिंपल सा काम करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का और दूसरा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया, फटाफट जाकर के जुड़ जाइएगा। ठीक है, सिंपल सा काम आपको करना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे प्लेलिस्ट दिए गए सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट के, तो वहां से आप देख करके अपने पढ़ाई को और भी ज्यादा मजबूत और इंप्रूव कर सकते हैं। फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी बच्चे को होती तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों यहां आप देख सकते हैं महत्वपूर्ण टिप्पणियां, पहला आपको यहां बात कर लेते हैं। इससे पहले आपको दोस्तों साथ में बताते चले कि बहुत ही जल्द यानी 15 अक्टूबर से हम नया बैच लेकर के आ रहे हैं, तो फटाफट आप लोग चैनल से बने रहिएगा और ये इंपॉर्टेंट क्लास चलेगा बिल्कुल शुरू से और पीडीएफ भी बिल्कुल फ्री प्रोवाइड किया जाएगा और वहीं क्वेश्चन सेलेक्ट किया जाएगा जो कि आपके 2023 वाले पेपर में आपसे देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला पॉइंट अगर बात करें तो पहला हेडिंग है अनिषेक फलन क्या होता है। बोर्ड एग्जाम देख सकते हैं 14 में 17 में 18 में 19 में 20 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है टिप्पणी लिखने के लिए। ठीक है, तो परिभाषा कहता है कि ऐसे फल जिनका निर्माण बिना अंडाशय के होता है उसे अनिषेक फल कहते हैं। ठीक है, कारण क्या है कि ऐसे फल जिनका निर्माण जो है बिना अंडाशय के होता है उसे अनिषेक फल कहते हैं तथा फल के निर्माण की इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। जैसे आपका अंगूर हो गया, तरबूज हो गया, संतरा हो गया आदि आपके किस्में कहलाएंगे अनिषेक फलन के उदाहरण आपके हो जाते हैं। क्लियर बात, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों सेकेंड आपका टिप्पणी लिखने के लिए पूछेगा बहुभ्रूणता, वेरी इंपॉर्टेंट, 2010, 14, 15, 16, 18 में 17, 18 में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, आइए देखते हैं इसे भी। ठीक है, तो सेकेंड है आपका बहुभ्रूणता, जब किसी एक बीजांड या बीज में से एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। यह घटना अनावृत्ति बीजी पौधों में अधिक होती है परंतु आवृत बीजी पौधों में यह बहुत कम पाई जाती है। बहुभ्रूणता की खोज जो है एंटोनी वॉन ल्यूइने हाक ने संतरे में की थी, ये नाम याद आप रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये तीसरा पॉइंट की बात कर लेते हैं दोस्तों, तीसरा जो है आपका सहप्रभाविता किसे कहते हैं, इस पर भी आपको टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जाता है, ये भी आपका 4 से 5 साल क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, परिभाषा कहता है कि जब किसी, ध्यान सुनिएगा, परिभाषा कहता है कि जब किसी कारक या जीन के एलील में से भी पूर्ण रूप से प्रभावी या अप्रभावी न होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं तो इसे सहप्रभाविता कहते हैं, जैसे मनुष्य के रुधिर वर्ग इसका उदाहरण हो जाता है। दोस्तों ये पढ़ाने के बाद इसका जो पीडीएफ है, ध्यान सुनिएगा, इसका जो पीडीएफ हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, पीडीएफ का आप सभी जो है डाउनलोड करके इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, या फिर दोस्तों जो बच्चे टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं, अगर जो बच्चे नहीं जुड़े फटाफट टेलीग्राम तुरंत जुड़ जाइएगा, हम पढ़ाने के 1 घंटे के बाद जो है टेलीग्राम पर भी इस पीडीएफ को शेयर कर देंगे, वहां से आप सभी जो है डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। और दोस्तों इसमें ही कुछ ऐसे भी आपके टिप्पणियां हैं जो कि हर साल लगातार पूछे जा रहे हैं, तो उसे भी हम लोग आज के ही वीडियो में अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, हम आपको बता दें वो सभी टिप्पणियां आपको तैयार करना ही करना है। ठीक है, यानी 15 तो आपको पढ़ने हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि लगातार बोर्ड एग्जाम में आ रहे हैं और 2023 में भी वो पूछा जाएगा। ठीक है,
चौथा है आपका कि अपूर्ण प्रभाविता, वेरी इंपॉर्टेंट है, अपूर्ण प्रभाविता, यानी परिभाषा कहता है कि जब विपरीत लक्षण के जोड़ों में, ध्यान सुनेगा, जब विपरीत लक्षण के जोड़ों में एक लक्षण जो है, एक लक्षण दूसरे को पूरी तरह प्रभावित न कर सके तो इस घटना को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। याद रखिए, बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है, यानी कि जब विपरीत लक्षण के जोड़ों में एक लक्षण दूसरे को पूरी तरह प्रभावित न कर सके तो इस घटना को हम अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। अब दोस्तों ध्यान सुनिएगा, जैसे मैं आप यहां पर बीराबिलिस जलाया, ठीक है, और जलावा, ये आप एग्जांपल में देख सकते हैं। इसके दोस्तों आप यहां पर देख बनाएंगे, जैसे कि यहां पर हमने ले लिया एक लाल पुष्प और दूसरा हमने ले लिया सफेद पुष्प, लाल पुष्प आर आर, ठीक है, कैपिटल आर आर, और सफेद पुष्प जो हमने लिया स्मॉल आर आर लिया। दोनों में, ठीक है, दोनों का जब हम लोग रिएक्शन कराते हैं, यानी दोस्तों दोनों जोड़ों का जो रिएक्शन होती है, तो यहाँ जो बनता है, ये जो कलर निकल करके आती है, ठीक है, ये जो कलर निकल करके आती है गुलाबी निकल करके आती है, यानी कि कैपिटल आर और स्मॉल आर, और इसे हम बोलते हैं यफवन पीढ़ी बोलते हैं। और ये जो क्रिया होती है स्व परागण होती है, ठीक है, ये क्रिया जो होती है वो स्व परागण होती है। तो इससे जो बनता है वह क्या होता है, इसके लाल गुलाबी सफेद, यानी एक संबंध है, दो संबंध एक का अनुपात यहां पर निकल करके आती है, ठीक है, इतना आपको दर्शा देनी है। इसके बाद दोस्तों पांचवे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, पांचवा है आपका डीएनए फिंगर प्रिंटिंग या फिर डीएनए अंगुली छाप पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए पूछा गया है। यानी दोस्तों ये इस बार 2022 में भी ये पूछा गया है कई सेट में, ठीक है, तो इसे भी आपको बहुत ही ध्यान से देखना है। या तो आपसे पूछेगा डीएनए फिंगर प्रिंट क्या होता है, इस पर टिप्पणी लिखने के लिए पूछ देगा, या फिर क्या होता है, या फिर आपसे इस तरीके से पूछेगा डीएनए अंगुली छाप क्या है, इसके बारे में बताइए, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले बात करें एनसीईआरटी का क्वेश्चन 2014 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, ये 21 में पेपर नहीं हुआ था, 22 में भी आया। यानी दोस्तों ये जो है आपका 2023 में 100% श्योर है, ठीक है, 100% श्योर, ये भी आपका पक्का आएगा। तो आप सभी बच्चे इसको अच्छे से तैयार रखें, बहुत ही सिंपल सा है, आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आपको बताते हैं कि यह एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों या जीवधारियों के मूल आनुवंशिक पदार्थ में विभिन्नताओं या भिन्नताओं को देखा जा सकता है। इस तकनीक को सर्वप्रथम एलेक जेफरे ने इंग्लैंड में विकसित किया था। अभी एक बार मैं फिर से समझाता हूं, अभी पूरा आपको चीज समझ में आ जाएगी कि यह एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों या जीवधारियों के मूल आनुवंशिक पदार्थ में भिन्नताओं, यानी इसको अलग को देखा जा सकता है। इस तकनीक को सर्वप्रथम एलेक जेफरे ने इंग्लैंड में विकसित किया था, ठीक है। इसके द्वारा, ध्यान सुनेगा, इसके द्वारा क्या होता है, इसके द्वारा खून, बाल, लार, वीर्य, योनि द्रव आदि के द्वारा अपराधी जो है खूनी, बलात्कारी, पैतृक संबंध की पहचान की जा सकती है। जैसे कि आप आए दिन देखते रहते हैं कि किसी भी, जैसे कोई भी कांड होता है तो क्या होता है कि भाई इसका डीएनए आकर टेस्ट कराया जाए तो ये क्लियर चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो ये सभी चीजें जो होती है ये डीएनए फिंगरप्रिंट के माध्यम से हम अलग, यानी इनमें हम भिन्नता निकाल सकते हैं और इसे हम पहचान सकते हैं, क्लियर बात। चलिए, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टिप्पणी, इसको आप सभी अच्छे से तैयार रखिएगा। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों अगला है ओपिओइड्स, ठीक है, इस पर भी आपको टिप्पणी लिखने के पूछा गया है, आइए देखते हैं। यह एक नशीली दवाओं का समूह है, इसके अंतर्गत अफीम, हेरोइन, स्मैक, मॉर्फिन, कोडिन आदि नशीली औषधियां शामिल है। आमतौर पर इसका प्रयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है, ये हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। यानी अब आइए अगला देखते हैं, इंटरफेरॉन, ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई साल एग्जाम में आया हुआ है, आइए देखते हैं। यह वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है जो इन कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रखता है। इसका प्रयोग रोग निवारक के रूप में किया जाता है। यह अंतःकोशी विषाणुओं के गुणन को रोकता है, इसलिए इसे इंटरफेरॉन कहा जाता है। नाम से इंटर, यानी अंदर के लिए बात हो रही है, इंटरफेरॉन कहा जाता है,
क्लियर है बात, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आठवां हमारा आता है, आठवां प्रतिरक्षा इम्यूनिटी, ठीक है। ये भी आपका वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी आपका 4 से 5 साल पूछा गया है इस पर टिप्पणी लिखने के लिए प्रतिरक्षा। आइए देखते हैं, किसी प्राणी के शरीर में, ठीक है, किसी प्राणी के शरीर में शरीर द्वारा किसी रोग जनक के प्रति रोग उत्पन्न करने से रोकने की शक्ति को हम प्रतिरक्षा कहते हैं। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं कि किसी प्राणी के शरीर में शरीर द्वारा किसी रोग जनक के प्रति रोग उत्पन्न करने से रोकने की शक्ति को प्रतिरक्षा कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई भी आपको, जैसे मान लेते हैं बुखार आती है, ठीक है, तो एक बार जो शरीर उस बुखार जो भी वायरस लगा रहता है उसको रोकने की कोशिश करती है, तो जो रोकने की कोशिश करती है उसी को हम बोलते हैं प्रतिरक्षा बोलते हैं। क्लियर बात, जिस व्यक्ति के शरीर में यह शक्ति होती है उसे प्रतिरक्षित कहते हैं। क्लियर बात, आइए अगला पॉइंट देखते हैं। अब दोस्तों हमारा नवा आ जाता है बीटी कपास, यानी कि बीटी कॉटन, किया था इस पर टिप्पणी लिखने के लिए पूछता है। सभी दोस्तों टिप्पणियां इंपॉर्टेंट है, तो क्लास पसंद आ रही है तो क्लास को एक बार आप सभी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में, और जो बच्चे हमारे प्यारे नए छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं या चैनल से जुड़े, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं बीटी कपास क्या होता है। कपास में बीटी जीवाणु की औषध अविष प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली जीन को जीन इंजीनियरिंग द्वारा निवेशित करके एक नई किस्म को तैयार किया जाता है जिसे बीटी कपास कहते हैं। यह एक कीट प्रतिरोधी किस्म होती है। इसके प्रयोग से प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए की फसल को कीटों से बचाया जाता है। क्लियर हो गया कि बीटी कपास क्या होता है। आइए दसवां देखते हैं, ठीक है। दसवां आपका टिप्पणी आ जाता है कि प्रतिबंधन एंजाइम क्या होती है, ठीक है। आइए देखते हैं, यह एक ऐसा एंजाइम है जिसके द्वारा डीएनए खंड को विशिष्ट स्थानों से काटा जाता है। इसे आणविक कैंची भी कहते हैं या कहा जाता है। वह एंजाइम जो डीएनए को काटता है उसे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लिएज कहते हैं, जबकि डीएनए खंड को जोड़ने वाला एंजाइम लाइगेज होता है। यह है दोस्तों आपका प्रतिबंधन एंजाइम। क्लियर होगी बात, चलिए आगे देखते हैं। अगला है दोस्तों आपका 11वां है पीसीआर, आइए इसको भी देख लेते हैं। पीसीआर एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा डीएनए अणु के खास भाग को प्रवर्धित करके जीन श्रृंखला की कॉपी की जाती है या जा सकती है। यह एक सीधा प्रयोग है जिसके द्वारा जीन श्रृंखला की कॉपी क्लोनिंग द्वारा तैयार की जा सकती है। यह है दोस्तों आपका पीसीआर। क्लियर बात दोस्तों, 11 टिप्पणी हो गए, आया और जो शेष बचे हुए टिप्पणी उसको भी देख लेते हैं, और जो लास्ट वाली टिप्पणियां हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि इधर भी से लगातार जो है पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। अब दोस्तों 12वां टिप्पणियां है हमारा, यानी 12वां टिप्पणी है कि बायो पायरेसी क्या है। इस पर टिप्पणी लिखने के लिए इसी तरीके से पूछता है कि इस पर ध्यान सुनेगा कि मल्टीनेशनल कंपनियों व दूसरे संगठन द्वारा किसी दूसरे देश की अनुमति व सहमति के बिना उस देश के जैविक संसाधन का उपयोग करना बायो पायरेसी कहलाता है। इतना ही सिर्फ आपको बायो पायरेसी में टिप्पणी लिखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों 13वां है आपका कि पार जीनी जंतु पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए पूछता है। आइए देखते हैं कि ऐसी जंतु जिसके डीएनए में एक अतिरिक्त जीन प्रवेश करा दिया जाता है उसे पार जीनी जंतु कहते हैं। यह जीन अपना लक्षण भी व्यक्त करता है, इससे एक नई प्रजाति का विकास होता है। जैसे आप यहां देख सकते हैं एग्जाम्पल में लिखेंगे डॉली भेड़, कागा गाय, मीरा बकरी आदि इनके उदाहरण है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, ये भी आपका कई बार पूछा गया है। इसके बाद दोस्तों 14वां है आपका, ये आपके सिलेबस में इस बार नहीं है, ठीक है। 14वां है आपका अम्लीय वर्षा, वेरी इंपॉर्टेंट, 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 और 2020 में आया हुआ है। आइए इसे भी देख लेते हैं, ठीक है। अम्लीय वर्षा प्राकृतिक ईंधनों के जलने से अनेक पदार्थों के ऑक्साइड विशेषकर गंधक नाइट्रोजन आदि के जल वाष्प के साथ मिलकर अम्ल बना लेते हैं। अम्लीय वर्षा वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्राकृतिक ईंधनों के जलने से अनेक पदार्थों के ऑक्साइड विशेषकर गंधक नाइट्रोजन आदि के जल वाष्प के साथ मिलकर अम्ल बना लेते हैं। जैसे आप यहां पहला पॉइंट दिखा सकते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड से आपके, यानी कि SO2 से आपके SO
थ्री तथा H2SO4 बनता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड यानी NO2 से आपके HNO3 आदि बन जाते हैं। ठीक है, जब ये अम्ल अधिक आर्द्रता में जल के साथ वर्षा के रूप में गिरते हैं इसे अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये देख सकते हैं ये कई साल लगातार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, तो ये भी आपके 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी टिप्पणी ये है। ठीक है, आइए अगला देखते हैं। अब दोस्तों 15 नंबर का टिप्पणी ओजोन परत, देख सकते हैं 2011, 12, 14, 16, 15 में और 16 में 18 में 19 में 20 में आ चुका है। इंपॉर्टेंट ये भी है कि ओजोन परत पर टिप्पणी लिखिए, इसी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछेगा। ठीक है, आइए देखते हैं। अब लिखेंगे इसमें कि ओजोन परत जो है जिसे ओजोन मंडल भी कहते हैं, ओजोन परत को हम क्या ओजोन मंडल भी कहते हैं, समत, अब ये पाया कहां जाता है ध्यान सुनेगा, समताप मंडल के निचले तथा क्षोभ मंडल के ऊपरी यानी कि बाहरी भाग में स्थित होता है। यह भाग जो है यानी ओजोन परत जो है यह भाग 15 से 30 किलोमीटर ओजोन गैस यानी ओ थ्री की एक मोटी परत होती है। यह गैस ऑक्सीजन के तीन परमाणुओं से बनी हुई होती है। इसमें एक विशेष प्रकार की तीखी गंध होती है तथा इसका रंग नीला होता है। ओजोन जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों प्रमुखता यानी कि पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोककर पृथ्वी और उसके जीवधारियों के सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। यही हमारा ओजोन परत, आपने बचपन में यही पढ़ा होगा और इस पर आपको टिप्पणी लिखने के लिए लगातार क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों ये टोटल आपके 15 टिप्पणी हो गया जो कि हमने आपके साथ डिस्कस किया बताया, और ये इतनी इंपॉर्टेंट टिप्पणी है कि आपको बोर्ड एग्जाम 2023 में आपको कोई ना कोई टिप्पणी आपके पेपर में जरूर दिखेगा। तो ये 15 टिप्पणी आप लिख लीजिएगा, बाकी जो शेष बच जाते हैं ध्यान सुनिएगा, शेष जो बच जाते हैं उसको हम आने वाले समय में यानी नेक्स्ट वीडियो में आने वाले समय में उसको हम अच्छे से आपको समझा करके बता देंगे और उसका पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करा देंगे। यानी दोस्तों आपके एक पेपर ध्यान सुनिएगा, एक पेपर में कम से कम लेकर के 5 से लेकर के कभी कभी 10 टिप्पणी लिखने के लिए भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये है टिप्पणी, यानी कि 5 टिप्पणी पूछा जा सकता है, 7 पूछा जा सकता है, 10 तक भी पूछा जा सकता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो 15 आप तैयार रखिएगा, बाकी बीच में आने वाले समय फिर हम जो भी लगातार बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट टिप्पणी रहेंगे वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, तो चलते चलते जो बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में, अपने स्कूल में हर जगह आप लोग शेयर कर दीजिएगा। और जो हमारे प्यारे नए बच्चे चैनल से जुड़ चुके हैं या इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय का इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलती है। साथ में बच्चे 2023 वाले बैच आप सभी जुड़ जाइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों ग्रुप का लिंक दिया गया, फटाफट जाकर के जुड़ जाइएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।